कुम्हारी में लगभग 5,72,00,000 रुपए की लागत के विकास कार्यों के लोकार्पण और 1,52,00,000 रुपए के कार्य के भूमि पूजन के अवसर पर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने थोक सब्जी मंडी निर्माण की बड़ी घोषणा की है। कुम्हारी में 23 करोड़ की लागत से यह सब्जी मंडी तैयार होगी। इसके साथ ही कुम्हारी नगर पालिका के सभी स्कूलों के जीर्णोद्धार की भी मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। उन्होंने महामाया उद्यान के बगल से लगे खदान के जीर्णोद्धार की भी घोषणा की है। यहाँ उन्होंने मछली पालन जैसी गतिविधियां कराने के निर्देश दिए हैं ताकि मत्स्य पालकों को भी रोजगार मिल सके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुम्हारी नगर पालिका में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन द्वारा बनाए गए आश्रय स्थल का लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने सामुदायिक भवन का भी लोकार्पण किया। सामुदायिक भवन के लोकार्पण से कुम्हारी के नागरिकों को आयोजनों में काफी सुविधा होगी। आश्रय स्थल के लोकार्पण के मौके पर उन्होंने कहा कि यहाँ रहने के साथ ही मनोरंजन का भी बेहतर इंतजाम किया जाएगा, इससे लोगों को काफी सुविधा होगी। एक तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन तो वहीं दूसरी ओर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे एवं एसपी बद्री नारायण मीणा दोनों ने बैडमिंटन खेला। 5 मिनट तक ये नजारा देखने को मिला। मौका था 97,00,000 की लागत से बने बैडमिंटन कोर्ट के लोकार्पण का। राज्य में लगातार खेल अधोसंरचना बेहतर हो इसके लिए पहल की जा रही है। मुख्यमंत्री ऐसे मौकों में लोकार्पण के अवसर पर खुद भी खिलाड़ियों के साथ काफी उत्साहित नजर आए। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर महामाया उद्यान का भी निरीक्षण किया। उद्यान को 1,27,00,000 रुपए की लागत से तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने उद्यान की खूबसूरती की तारीफ दिल से की, साथ ही यहां लगाई गई महापुरुषों की प्रतिमाओं की पहल पर भी उन्होंने प्रशंसा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हमारे शहीद हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। यहाँ गुंडाधुर वीर नारायण सिंह और गेंद सिंह की प्रतिमाएं लगी है, ये सच्चे मायनों में उन्हें श्रद्धांजलि है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर यह भी कहा कि कुम्हारी क्षेत्र में 94 करोड़ के विकास कार्य अभी चल रहे हैं तथा 100 करोड़ रुपए के विकास कार्य अभी शुरू होने हैं। उन्होंने कहा कि इन 3 सालों में कुम्हारी की सूरत तेजी से बदली है। कोई भी नागरिक अब 3 साल बाद कुम्हारी पहुंचे तो इसमें वो बड़े बदलाव महसूस करेगा। जिम का और साथ ही बैडमिंटन कोर्ट का भी हुआ और एक गार्डन का, तो लगातार विकास कार्य यहाँ कुम्हारी में हो रहे हैं और कुम्हारी सौंदर्यीकरण लगातार किया जा रहा है। बहुत प्रतीक्षित मांग थी इस शहर के विकास के लिए, तो लगातार कोशिश करके लगभग अभी तक 92 करोड़ के काम अभी चल रहे हैं। और जो फिर से नई जो नल जल योजना है उसमें लगभग 100 करोड़, और फिर मंडी जो सब्जी मंडी, चूँकि आस पास में ताज़ा सब्जी मिलता है यहाँ और इस कारण से कुम्हारी मंडी की बड़ी मांग भी है, तो उसके लिए भी 23 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ है। तो लगातार हमारी कोशिश है कि शहर के सौंदर्यीकरण के साथ साथ जो जन सुविधा है, जो आम जनता की जो आवश्यकता है, उसके हिसाब से इस शहर में विकास किया जाए। हम लोग रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रिपा उसकी शुरुआत करेंगे, जिसमें गांव में जो चीज़ें मिलती है उसका वैल्यूएशन करें, उससे संबंधित जो उद्योग है उसे लगाएं ताकि गांव के लोगों को रोजगार मिले, उस वैल्यूएशन हो ताकि उसे ज़्यादा कीमत मिल सके। अभी जो राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक योजना है वो 7,000 प्रति वर्ष हम देंगे जो भूमिहीन लोग हैं, तो उसको देने की बात है। अब राजीव गांधी किसान न्याय योजना की जो 34वीं किस्त है वो 31 मार्च को रिलीज हुआ। राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में कुम्हारी में लगातार तेजी से विकास कार्य किए जा रहे हैं और जनता की विकास संबंधी आकांक्षाएं भी पूरी होती नजर आ रही है, और साथ ही कुम्हारी क्षेत्र में भी तेजी से विकास कार्य किए जा रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शरण खरे की रिपोर्ट।